हाय एवरीवन, टुडे आई विल ड्राइव महिंद्रा बुलेरो ZLX है, 2015 का मॉडल है। देखो अब ये गाड़ी मैं पहली बार चला रहा हूँ, चैनल पे पहली बार आ रही है। बहुत दिन से रिक्वेस्ट आ रही थी कि महिंद्रा बुलेरो ड्राइव करो, उसको गांव में चलाओ, तो अगर कोशिश रही, अगर हो पाया तो गांव में चला के मैं दिखा दूंगा। अब महिंद्रा डोमिनेट करती है SUV सेगमेंट में और इसके जय वीरू हैं स्कॉर्पियो एंड बुलेरो। ये दो गाड़ियाँ ही सबसे ज़्यादा बिकती हैं। स्कॉर्पियो तो फिर भी ठीक है, बुलेरो के साथ थोड़ा ऐसा है कि थोड़ा रूरल एरिया की SUV ज़्यादा है। इसको अर्बन नहीं माना जाता है, मतलब शहरों में ज़्यादा नई गाड़ी चलती, इसको गाँव में ज़्यादा यूज़ किया जाता है। गाड़ी की यूसेज ही ऐसी है कि जैसे थोड़ा रगेड होती है, थोड़ा टफ जो है इसका यूसेज है, तो उस वजह से इस गाड़ी को यूज़ किया जाता है। इसका रिसेंटली अपडेट भी आया है 2020 और 21 में, जो 1500 CC का इंजन है, ये है 2523 CC का इंजन। इस गाड़ी में जो पावर है 62 BHP है, लगभग 3400 RPM के ऊपर आपको दे देगी, लगभग 62 BHP। जो टॉर्क है 195 Nm, अराउंड 2200 और 1400 RPM के बीच आपको निकाल के दे देगी। अब गाड़ी का रफ़ यूज़ बहुत ज़्यादा, मतलब इस गाड़ी में आपको फीचर्स नहीं मिलेंगे जैसे अभी भी, इनफैक्ट 2021 में वहाँ भी आपको जैसे नॉर्मल ही की मिलेगी, आपको कोई की फॉब नहीं मिलेगा, कोई फीचर्स नहीं मिलेंगे, लेकिन गाड़ी का जो यूसेज है वो बहुत ज़बरदस्त है। इसको कैब सेगमेंट में जैसे हिमाचल उत्तराखंड में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, तो गाड़ी का टफ लुक है, कोई अलॉय व्हील्स नहीं आएंगे और जो नॉर्मल अपने स्टैंडर्ड स्टील रिम है वही आते हैं। और टायर सेक्शन जैसे अभी फिलहाल तो अपोलो के टायर हैं, और टायर सेक्शन में बता देता हूँ 215/75 R15, लेकिन ये जो एस्पेक्ट रेशियो ये काफ़ी ज़्यादा है, जो कि मैंने बताया कि 75 है, ठीक है, क्योंकि कुशनिंग ज़्यादा चाहिए इन गाड़ियों में। और 7 सीटर है। चलो अब इसमें जो इंजन आता था वो M2DII इंजन आता था, अब इसको मैं ड्राइव करके दिखा देता हूँ। सबसे पहले मैं थोड़ा सा इंटीरियर का बताता हूँ। चलो देखो भाई, एकदम देसी गाड़ी है, ठीक है, तो ये मत कहना कि ये सब बिछा हुआ अपन, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि गाँव में काफ़ी ज़्यादा इस गाड़ी को यूज़ किया जाता है, तो ये जैसे वही कैब सेगमेंट, जैसे अगर हिंदी में एकदम देसी बोल दूँ तो सवारियों में गाड़ी चलती है, कोई घर में बुलेरो का वैसे यूज़ नहीं करता है क्योंकि गाड़ी का यूसेज ही नहीं है। सवारी वैसे कम आके देगी या फिर स्कॉर्पियो, पर्सनल में ये बहुत कम लोग लेते हैं, शौकिया लोग लेते हैं जो जिनको मज़ा आता है, लेकिन स्कॉर्पियो की तरफ ज़्यादा भागते हैं। बुलेरो आप शहरों में कहीं नहीं देखोगे, किसी घर के बाहर खड़ी है, कोई साफ़ करे, बहुत रेयर मिलेगा, क्योंकि गाड़ियाँ सवारी जो सेगमेंट होता है उसमें काफ़ी ज़्यादा यूज़ की इसका किया जाता है। चलो अब ज़्यादा बात नहीं करेंगे, इसको ड्राइव करके मैं दिखाता हूँ, चाबी मैं लगा लेता हूँ और गाड़ी को ड्राइव करके दिखाएंगे, और कोशिश रही तो गाँव में भी चला के दिखा दूंगा। चलो अब इसको मैं स्टार्ट करता हूँ। और एक और चीज़, विजिबिलिटी ना थोड़ी सी कम रहेगी क्योंकि यहाँ पे ऊपर नीचे फिल्म चढ़ी है, तो आपको ज़्यादा बाहर का नहीं दिखाई देगा, ठीक है, आप बस गाड़ी को वैसे इन्जॉय करना। जैसे मेरे स्कॉर्पियो की वीडियोज़ करी थी, उसमें फिल्म नहीं थी हालांकि, और उन दोनों वीडियोज़ के लिंक ऊपर मिल जाएंगे, इनफैक्ट मैंने 3-4 बना रखी है, तो देख लेना। अभी ऐसे ही ऑफ करके स्टार्ट कर लेता हूँ। क्लच बहुत हार्ड है और ये गियर, ये सब देखो, ये चीज़ें तो नॉर्मल है, ये जैसे हिलता है। और फिर वही बात, इन गाड़ियों से वो फीचर्स वगैरह वो एक्सपेक्ट मत करना, क्योंकि ये गाड़ी उस चीज़ के लिए नहीं बनी, ये रगेड टफ यूज़ के लिए, खेतों में चले गए कभी, यहाँ वहाँ चले गए, ठीक है। तो एसी में अपनी तरफ कर लेता, और ज़्यादा आवाज़ मेरे ख्याल से नहीं आनी चाहिए अब आपको, क्योंकि माइक मैंने लगाया हुआ है, और गाड़ी के इंजन साउंड तो क्या ही सुनाऊँ, काफ़ी है। क्लच हार्ड थी बस इसकी थोड़ी, यहाँ से मैं राइट ले लेता हूँ। इसका एक चीज़ जो अभी तक सबसे अच्छी लगी ना, वो था इसका स्टेयरिंग काफ़ी सही है, लाइट है, और किस चीज़ की आवाज़ है, ठीक है, थोड़ी सी आ रही है, पता नहीं, और एक्सेलरेटर लाइट है गाड़ी का। इसके बारे में ज़्यादा टेक्निकल बातें नहीं करूँगा क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं, इसकी जो सेगमेंट है, जो लोग इसे खरीदते हैं वो इसके फीचर्स या पावर टॉर्क वो सब देख के नहीं खरीदते, बस बुलेरो लेनी है तो लेनी है, फिर इसका जो भी पर्सनल लो, फिर चाहे इसको सवारी सेगमेंट में लो, कुछ भी लो, वो फिर वो ये सब नहीं देखते क्योंकि इस सेगमेंट में कंपैरिजन ही नहीं है। जैसे स्कॉर्पियो भले ही आप कह दोगे SUV सेगमेंट में और कुछ गाड़ियाँ उसकी टक्कर की, लेकिन कोई नहीं है स्कॉर्पियो की टक्कर में, ये गाड़ियाँ जैसे बुलेरो की कंपैरिजन में और कुछ नहीं मिलेगी। थोड़ा सा बॉडी रोल यहाँ पर फील हुआ, तो ये जो सेगमेंट है ना दोनों, बुलेरो स्कॉर्पियो, यहाँ पे इनके कॉम्पिटिटर हैं ही नहीं, तो जिसको लेनी है ना बुलेरो वो लेगा, वो फिर ये नहीं देखेगा इसके ज़्यादा इससे ज़्यादा और कौन सी गाड़ी पावर दे रही है, ये सब दे रही है, ठीक है। और इसके रोल ज़्यादा है, भले ही 2500 का हो, तो इनमें क्या है ना, जैसे CC के हिसाब से पावर बहुत कम है, 62 BHP है सिर्फ,
और टॉर्क काफ़ी ज़्यादा है, 195 है, जो कि 2523 cc लगभग इतना ही घुसता। अभी जो आ रही है वो तो 210 न्यूटन मीटर है और 75 bhp और लगभग 1500 cc का इंजन है। अंदर इतनी परेशान करने वाली भी नॉइज़ नहीं है। ब्रेक तो मैं नहीं देखूंगा, इसके IRVM थोड़ा वाइब्रेट कर रहा है, कि बाइट तो भूल ही जाओ इसमें, कि बाइट वाइट मिल रहा है ब्रेक का, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा तो नहीं मिलेगा। और ये गाड़ियाँ ना जैसे टॉर्क काफ़ी ज़्यादा है तो इनको अगर दूसरे तीसरे गियर में भी उठाओगे ना तो उठ जाती हैं, लेकिन मुझे आदत ही नहीं है कि मैं जैसे कम स्पीड पे छोटे बड़े गियर में से उठाऊँ, तो आदत नहीं पड़ी है, तो ये करके ना मैं गियर डाउन कर ही देता हूँ। बस नीचे फिल्म करने से जैसे कोई अचानक नया ड्राइवर, जैसे मैं चला पहली बार चला रहा हूँ बुलेरो, तो दिक्कत ही आ रही है, जो गाड़ी का बॉनेट है ना वो दिखाई देता है, लेकिन नीचे वाली फिल्म लगी है ना इसलिए बॉनेट नहीं दिखाई दे रहा है, ये बिल्कुल उसके एज के साथ कोइंसाइड कर रहा है, तो ये नहीं मतलब नहीं दिखाई दे रहा मुझे ऐसे देख रहा। हाँ, अब पूरा बॉनेट दिख रहा है, ठीक है, और ये विजिबिलिटी भी कम हो रही है। ऊपर वाली ज़रूरी है क्योंकि धूप काफ़ी ज़्यादा आती है। फिर भी एक बार हल्के से ब्रेक लेके देखता हूँ, पीछे कुछ नहीं है, कहीं स्किड विकिड ना कर जाए। एंड में आती है, बस दूसरी तरफ चला के देखूंगा अब तो, क्योंकि हमें टर्न लेना है, तो दूसरी तरफ जैसे अब चलूंगा ना तब देखूंगा। हाँ, डीजल इंजन तो टर्बो चार्ज भी आएगा, लेकिन आपको कोई ऐसा किक विक फील नहीं होता है, जो जैसे टर्बो का अचानक झटका आता है ना, किक आता है, बूस्ट आता है, वो इसमें फील नहीं होगा। और वो तो कोई भी गाड़ी ले लो इनकी, जैसे स्कॉर्पियो ले लो चाहे थार ले लो, बूस्ट तो किसी में भी फील नहीं होता। स्कॉर्पियो फिर भी बेटर है उन दोनों से, बुलेरो एंड थार से। चलो अब देखते हैं, 80 पे मारूंगा ज़्यादा नहीं, क्योंकि ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं हूँ मैं इसकी ब्रेकिंग को लेकर। थोड़ा सा मैं साइकिलिस्ट को थोड़ा वो करूं, इसमें वैसे ऑल फोर पावर विंडोज है, मैं आई 92 पहुंच गई ना, इतनी जोर से तो नहीं, 85। महिंद्रा बुलेरो 2015 मॉडल, ब्रेकिंग एट 80। आखिर में स्किड होगी थोड़ी, बोतल वोतल भी निकल गई सीट के नीचे रखी है, जो कि यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। जैसे ब्रेक मारे तो बोतल आ गई एक्सेलेटर पेडल के नीचे, कि यहाँ रखी थी सीट के नीचे, तो वो आ गई आगे। टायर की स्मेल है थोड़ी सी, सही करा ज़्यादा स्पीड पर नहीं मारी, क्योंकि आखिर में आगे स्किड हो रही है। वैसे तो स्ट्रेट लाइन है, लेकिन जब एकदम प्रॉपर स्टैंड स्टिल पर आती है ना, उससे पहले थोड़ा सा स्किड करती है। और इसका हाईवे टेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये हाईवे पर नहीं चलने के लिए बनी है, ये मतलब वही खेत वेत अपने कच्चे एरिया में इन सब के लिए है, तो अब इसको थोड़ा सा संभल के चलाना है। रोल तो काफ़ी है, स्कॉर्पियो से ज़्यादा है रोल है इसमें। वैसे भले ही जो इनकी राइड बहुत कंफर्टेबल होती है जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स सस्पेंशन, इनके सस्पेंशन अच्छे होते हैं राइड क्वालिटी के मामले में, लेकिन जो स्टेबिलिटी है ना बस वो ख़राब रहती है। NVH, एक बार मैं इसी ऑफ करता हूँ, इंजन की साउंड है, थोड़े बहुत पार्ट्स हिलते हैं क्योंकि थोड़ी पुरानी मॉडल है, तो इसलिए थोड़ी बहुत जैसे मिरर की आवाज़ है, और वैसे कोई आवाज़ नहीं है। इंजन की आएगी थोड़ी बहुत, विंड नहीं है, कंप्रेसर में दिक्कत है जैसे एसी में है, ठीक है, हाँ ठीक है ना, ना ठीक है, वो घूम गया था शायद, तो बस विंड नॉइज़ है थोड़ी बहुत, रोड नॉइज़ है, और विंड नहीं है, रोड है और इंजन नॉइज़ है। भाई इसको रफ एंड वही चला सकता है जिसकी गाड़ी है, मतलब उनको कहना आदत है ना गाड़ी की, हमें इनकी आदत नहीं है। अब जिनकी जो बुलेरो स्कॉर्पियो चलाते हैं वो छोटी गाड़ियाँ नहीं चला सकते, छोटी चलाते हो बड़ी चला तो लेते, लेकिन उस तरीके से नहीं चला सकते जिस तरीके से उसके ओनर चलाते हैं, ठीक है। तो हाईवे टेस्ट के बारे में तो ज़्यादा इसमें मैं क्या ही बताऊँ, बस ऐसा ही कुछ है महिंद्रा बुलेरो के बारे में। ब्रेकिंग चेक कर ली, अच्छी नहीं है, करने वाले कंट्रोल कर लेते हैं, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं कर पा रहा हूँ। तो जिनको आदत है कि कैसे इसका अंदाज़ा है, अब स्किड तो करती है नो डाउट, वो चीज़ तो है इसके बारे में। क्लच हार्ड है, जो कि इन डीजल इंजन की महिंद्रा की गाड़ियों में रहती हुई है। एक्सेलेटर इज सॉफ्ट, स्टेयरिंग इज सॉफ्ट, स्मूथ तो है, रिस्पॉन्सिव भी है, थोड़ा सा घुमाती चल जा रही है। तो
ये कुछ था इस वीडियो में, बहुत क्विक वीडियो थी क्योंकि मैं ज़्यादा ना गांव वाली वीडियो पे फोकस कर रहा हूँ। बुलेरो के बारे में ज़्यादा हाईवे में बताने के लिए कुछ नहीं है, तो देखूंगा अगर वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं हुई तो इसी में डाल दूंगा गांव वाला, वरना फिर भैया अलग से ले लेना, ठीक है। वो इसके जस्ट नेक्स्ट वीडियो आ जाएगी और बस ऐसा ही कुछ है। मिरर तो बड़े हैं लेकिन हिलते हैं, और ये भी हाथ से एडजस्ट करने पड़ेंगे। चलो अब थोड़ा सा गाँव में दिखा दूंगा, ज़्यादा भी नहीं करेंगे। अरे नहीं लगी, बस बाइक खड़ी है, टेटिया देखनी पड़ेगी थोड़ी।